हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, एक वैकेंसी निकल के आई है इंडिया पोस्ट यानी GDS की, ग्रामीण डाक सेवक विभाग की वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी देख लीजिए। आप लोगों का पोस्ट ऑफिस वैकेंसी है, इसमें देखिए टोटल आप लोगों का 12,828 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है। ऐसी ही एक वैकेंसी है जो हमेशा ये मेरिट लिस्ट पर वैकेंसी निकल के आती है, इसको ज़रूर आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। इसके बारे में देखिए, ये 22 मई 2023 को ये पोस्ट अपडेट हुआ है, यानी कि नई वैकेंसी। देखिए इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट है आप लोगों का 22 मई से लेकर के आप लोगों का 11 जून के बीच में फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। अगर आप लोगों के फॉर्म में कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी गलती होती है, तो करेक्शन डेट भी इसमें दिया गया। देखिए 12 से लेकर के 14 जून के बीच में इसका आप लोग करेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट रिजल्ट अभी आप लोगों को नोटिफाइड सुन दे रहे हैं। पहले इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, फिर बाद में मेरिट लिस्ट इसका आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो फीस लगेगा, देखिए जनरल OBC का आप लोगों को 100 रुपये फीस लगने वाला है, SC ST PH का 0, ऑल कैटेगरी फीमेल का 0। ठीक है, यानी केवल जनरल OBC का इसमें फीस लगेगा और सबका 0 रुपये इसमें फीस लगने वाला है। ठीक है, इसमें देख लिए अगर आप लोगों का जो एज है, एज कितना मांगा है, एज के बारे में बात करें तो 11/6/2022 को आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा, जिसमें आप लोगों का मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आप लोग 40 साल होना चाहिए। ठीक है, एज में छूट मिलेगा आप लोगों को, जैसे OBC का आप लोगों का इसमें 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST वालों को 5 साल का छूट मिलेगा। वैकेंसी में उसी तरह का आप लोगों का एज में छूट मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी आप लोगों का क्या होगा, देखिए इसमें दिया गया कि क्लास 10th हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, यानी कि आप लोग जो क्लास 10th आप लोग पास होना चाहिए मैथ से और इंग्लिश के साथ। ठीक है, यानी कि आप लोग क्लास 10th में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी निकल के आई है कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में इसका लोकल लैंग्वेज हिंदी है, इसमें 160 वैकेंसी है। ठीक है, उत्तराखंड में इसका भी हिंदी है, इसमें 40 पोस्ट है। बिहार में देख लीजिए, इसमें 76 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ में 342 पोस्ट है और दिल्ली में नहीं है। राजस्थान में 1408 पोस्ट है, मतलब यही सब मिला करके देखिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, सबका मिला करके आप लोगों का इसमें यही 12,828 पोस्ट निकल के आया है। ठीक है, इसमें देखिए इस पोस्ट में दो कैटेगरी है, GDS के अंतर्गत आप लोगों का जो वैकेंसी, जो पोस्ट कैटेगरी जो निकल के आई है वो दो कैटेगरी निकल के आई है, एक BPM की है, एक ABPM की। ठीक है, BPM का मतलब होता है आप लोगों का ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, और ABPM का मतलब होता है आप लोगों का असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो BPM की जो आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी, देखिए आप लोग स्टार्टिंग आप लोग 12,000 होगा, 12,000 से लेकर के 29,380, यानी कि आप लोग 12,000 एक दो साल में आप लोगों का 29,000 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग आप लोग 12,000 मिलेगा। स्टार्टिंग में देखिए पहले इसका जो सैलरी होती थी वो आप लोग लेटेस्ट ज़्यादा आप लोग 12,000-13,000 इसका पर मंथ का होता था इसका सैलरी। ठीक है, लेकिन इसमें देख लीजिए अब इसमें बढ़ा दी गई है सैलरी, 29,000 लगभग 30,000 का इसमें सैलरी कर दिया गया। ठीक है, तो इस फॉर्म को अप्लाई करना जो जरूरी है, क्योंकि इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है और आप लोग मेरिट पे हो रहा है, तो हो सकता है मेरिट पे आप लोगों का हो जाए। ठीक है, और ABPM का देख लीजिए आप लोग 10,000 से लेकर के 24,470 के बीच में इसमें सैलरी होगी। ठीक है, देखिए आप लोग को अगर जिस आप लोग स्टेट से अगर आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आप लोगों का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग जिस भी मतलब स्टेट से आप लोग आप करते हैं, जैसे देखिए वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बताया कि UP में अगर रहते हैं, UP से अप्लाई करते हैं तो उसका लोकल लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, तो आप लोगों को लोकल लैंग्वेज इसका हिंदी आना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब कि जिस भी स्टेट से अगर आप लोग अप्लाई करें तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अदर क्वालिफिकेशन भी में आ गया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। केवल आप लोगों को नॉलेज है कंप्यूटर का, तो आप लोग इस पर देखिए आप लोगों को टिक लगा देना। ठीक है, अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर आप लोग कंप्यूटर ऑफ नॉलेज का टिक लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, केवल नॉलेज मांगा गया है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग का इसमें भी टिक लगा देना, और यहाँ पर एडिक्यूट मीन्स आप लाइवलीहुड का इसमें भी काफी टिक लगा देना। ठीक है, इसमें देखिए आप लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, कैसे सिलेक्शन होगा आप लोगों का, इसमें देख लीजिए आप लोगों का शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट पे इस पर मतलब कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्लास 10th की जो आप लोगों का जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उस पर आप लोगों का परसेंट के हिसाब से इसमें आप लोगों का पासिंग किया जाएगा, इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें जो आप लोग परसेंटेज बनेगा, आपकी बार बताया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब कि दिखाया जा रहा है, बताया गया इसमें कि आप लोगों का मिनिमम आप लोग अगर 60% है तो आप लोग इसका अप्लाई जरूर इसका फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है, 60 से 70-75 के बीच में इसमें मेरिट बनेगा, तो आप लोग को इसमें ज़रूर आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही जो ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS की जो वैकेंसी निकल के आई है पोस्ट ऑफिस में, दो पोस्ट पे BPM का ABPM का इसका नोटिफिकेशन यही था, इसका डिटेल्स यही था। तो अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं,
और अगर आप लोग इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट क्लियर करना हो, अगर कुछ भी समझ में आया हो तो आप लोग हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही नए नए सरकारी जॉब्स रिलेटेड वैकेंसी के डिटेल्स हमेशा आते रहते हैं। ठीक है।